आखिर होटल्स में रूम नंबर 13 क्यों नहीं होता? और क्या होता अगर हम इंसानों को एक हार्ट के जगह पर दो हार्ट्स होते तो? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एक रिसर्च से ये खोज की है कि कॉकरोचेस में भी दूध पाया जाता है? जी हाँ, और हैरानी की बात तो यह है कि कॉकरोचेस का दूध गाय के दूध से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ये बैसेंजी डॉग ब्रीड है और ये अकेली ऐसी डॉग ब्रीड होती है जो भौंक नहीं सकती। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास पूरी दुनिया में से अब तक का सबसे बड़ा डायमंड है और उस डायमंड को द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जो 530 कैरेट्स का है, जो साउथ अफ्रीका की खदानों से मिला था साल 1905 में, और इस हीरे की एस्टिमेट वैल्यू $400 मिलियन है, यानी इंडियन रुपीज में 4 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे एक्सपेंसिव चीज है वो पुले डोंकी चीज है, जो बेल्कन डोंकी के दूध से बनाया जाता है, और 1 पाउंड चीज को बनाने में $500 का खर्चा आता है, और सिर्फ 1 किलोग्राम चीज को बनाने में 25 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है, और इस चीज की कीमत $1,130 यानी 86,150 रुपीज पर किलो होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि हम सभी इंसानों की स्किन ऐसे स्ट्राइप्स या फिर मार्क्स से कवर्ड होती है, वो भी सिर से लेकर पैरों तक, और इन मार्क्स को ब्लेशकॉस लाइंस कहते हैं। दरअसल ये मार्क्स हमारी साधारण आंखें नहीं देख सकती, ये मार्क्स सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट्स में ही देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक US सोल्जर है जिनका नाम शमिको ब्यूरेज है और उन्होंने एक कार क्रैश में अपना लेफ्ट ईयर खो दिया था, तो आर्मी के डॉक्टर ने उनके हाथ के स्किन के नीचे एक नया कान रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, वो भी उनके रिब केज के कार्टिलेज को यूज करके, और फिर डॉक्टर ने सर्जरी से उस नए कान को उस औरत के लेफ्ट साइड के कान की जगह पर फिक्स कर दिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि कंबोडिया देश में चूहों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जमीन के नीचे छुपाए गए लैंडमाइंस को सूंघ कर ढूंढ सके? जी हाँ, क्योंकि चूहे सिर्फ 35 मिनट्स में ही 200 स्क्वायर मीटर्स का एरिया सूंघकर क्लियर कर सकते हैं, जो यूजुअली डीमाइनर मशीन्स को करने में 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने दांतों को अपने अपोजिट हाथ से ब्रश करते हो, यानी अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड को यूज करके ब्रश करते हो, तो इससे आप अपने ब्रेन को कॉन्शियसली फोर्स कर रहे हो अलग तरह से काम करने के लिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका सेल्फ कंट्रोल लेवल इंक्रीज होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें एक के बजाय दो हार्ट्स होते तो क्या होता? तो इससे पहला फायदा ये होता कि हमारा हर चीज के ऊपर का रिएक्शन और बेटर हो जाता, क्योंकि दो हार्ट्स होने के कारण हमारे दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन जा पाता, और ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण हमारा दिमाग ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता, और हमारे रिएक्शन टाइमिंग्स ज्यादा शार्प हो पाते, और हमें ज्यादा ताकत महसूस होती, क्योंकि इससे हमारे बाकी के ऑर्गन्स को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाता। लेकिन इससे नुकसान ये होता कि हमारे दिमाग में हेडेक्स भी ज्यादा आने लगते। इससे जो दूसरा फायदा होता वो ये कि इससे हार्ट फेलियर का खतरा कम हो जाता, और अगर हार्ट अटैक आता भी तो हम उसे सर्वाइव कर पाते, क्योंकि एक हार्ट काम करते रहता। ये ऐसा है जैसे 2 किडनीज होती है और 1 किडनी के फेल होने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 2 हार्ट्स होने के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता। इससे जो नुकसान होगा वो ये कि हमें ज्यादा तेजी से सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लंग्स का साइज छोटा होगा, और 2 हार्ट्स के कारण हमें ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, और ज्यादा ताकत होने के बावजूद हम ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि तेजी से सांस लेने से हमें बीच बीच में रुककर आराम करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि कई सारे होटल्स में रूम नंबर 13 नहीं होता? जी हाँ, दरअसल दोस्तों ज्यादातर होटल्स को फॉरेनर लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और कई सारे बाहर के देशों में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, इसलिए ज्यादातर इंडिया में भी इस नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और बाहर के देशों में इसको अनलकी मानने के कुछ कारण हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार जीसस क्राइस्ट को दावत पर बुलाया गया था, और उस दावत में जो 13वां व्यक्ति था उसने जीसस को गिरफ्तार कर लिया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार देवताओं के मिलने का आयोजन किया गया था जिसमें एक 13वां व्यक्ति एक दानव था
जिसने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया था। और इजिप्ट देश के अनुसार 13 नंबर मृत्यु को दर्शाता है, और भारत में भी कई सारी जगहों पर 13 नंबर अशुभ माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।